साथियों, अब 21वीं सदी का भारत नया भारत है। आज जब भारत वैश्विक पटल पर अपनी नई छवि गढ़ रहा है, तब दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है। आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए, कितनी बड़ी संख्या में विदेशी भारत की कहानी दुनिया को बता रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बहुत जरूरी है कि देश में ईज ऑफ ट्रेवल उसको सुनिश्चित कर दिया जाए। इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में भारत ने ईज ऑफ ट्रेवल बढ़ाने के लिए, अपने टूरिज्म प्रोफाइल का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आप देखेंगे कि हमने वीजा की प्रक्रिया को आसान किया, वीजा ऑन अराइवल की सुविधाओं को बढ़ाया, हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस किया। एयर कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हम सभी पर ध्यान दे रहे हैं। आज रेलवे से अधिकतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जुड़ रहे हैं। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों रेलवे का हिस्सा बन रही हैं। विस्टाडम कोच, वो ट्रेनें पर्यटकों के अनुभव का विस्तार कर रही है। इन सभी प्रयासों का असर भी हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। साल 2015 में देश में डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या 14 करोड़ थी। पिछले साल ये बढ़कर करीब करीब 70 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब कोरोना के बाद देश और दुनिया भर से टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गोवा जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले वैक्सीन लगाने के फैसले का भी लाभ गोवा को मिल रहा है।